कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड मुफ्ती तारिक मसूद जी का एक बयान होने वाला है जिस पर हम देने वाले हैं रिएक्शन। बयान का टाइटल है तालिबान के बारे में। बयान होने वाला है कि तालिबानियों की विक्ट्री कैसे हुई, उन्होंने मतलब कैसे मुल्क पे कब्जा किया और अपनी इतनी बड़ी हुकूमत कैसे बनाई, है ना? सही बात है कि लोगों को ज्यादा खौफ है तालिबानियों का। तो देखते हैं क्या कहते हैं मुफ्ती तारिक मसूद जी इस बारे में कि कैसे कैसे शुरुआत हुई थी, क्या क्या हुआ था पहले, कौन था लीडर, फिर कैसे कैसे क्या चीज हुई। तो इसको प्ले करते हैं, बाकी ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके चेकआउट कर लो। और हमारा जो सॉन्ग है उसको जरूर सुनना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बीट ब्लास्टर चैनल है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, आपको पसंद आएगा, मुझे पता यकीन है। सही बात है, आप ध्यान से सुनना सॉन्ग को ना, बीट ब्लास्टर चैनल पे, लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। चैनल तो आपका है ही अपना बीट ब्लास्टर, तो वहाँ देख लेना। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था पुरानी, अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से जाने का मुआहदा किया तो अमेरिका के चैनल और हमारे भी बाज़ चैनल, या इंडिया का चैनल था, वो कह रहा था कि तालिबान तादाद में 75,000 है और अफगान आर्मी 3.5 लाख। तो अब ये वो टाइम नहीं है जो पुराना तालिबान का दौर था कि वो काबुल पे कब्ज़ा कर लिया उन्होंने, अब इनको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने के लिए। वो ये बयान दे रहे थे और तालिबान आधा अफ़गानिस्तान ऐसे फतह कर चुके थे जैसे अंडे लेने के लिए निकले हुए होंगे। घर वालों ने भेजा हो, जैसे हम जा रहे थे दुकान पे अंडे लेने के लिए, दरमियान में कोई रुकावट होती है भाई? कोई रुकावट होती है? जब घर वालों ने भेजा है किसी का बाप भी रोक सकता है आपको? भैया आपकी बीवी ने अंडे लेने के लिए भेजा है, कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता आपको, पता है, तो लेके आना ही आना है वरना घर में दाखिल नहीं हो सकता। तो ऐसे जा रहे थे, यूट्यूब एक ऐसी चीज है ना, हर चीज को महफूज कर लेता है। तो वो मोहम्मद आफाक खान है ना लंदन वाला, बड़ा अच्छे वो क्लिप बनाता है, उसने क्या किया कि वो पुराने उनकी न्यूज और अब मौजूदा हालात वो चला रहे हैं। इधर बयान आ रहा है कि अब इनको पापड़ बेलने पड़ेंगे, अब ये फतह नहीं कर सकते। इधर खबर आ रही है तालिबान बैठे हुए हैं सदारती महल में, चाय पी रहे हैं बैठ के। जितनी मुजाहमत पहले हुई थी उसका 1% भी नहीं हुई है, वजह क्या है? मैं न्यूट्रल होके बयान कर रहा हूँ, ये आप ये ना समझे कि मैं तालिबान का हामी होके कर रहा हूँ या तालिबान का मुखालिफ होके। मुझे इस वक्त आप एक न्यूज़ एंकर समझें, मुझे क्या समझें? न्यूज़ एंकर, बिल्कुल न्यूट्रल, बल्कि फ़र्ज़ कर ले मैं तालिबान के ख़िलाफ़ हूँ, हूँ नहीं हूँ ये तो अल्लाह ही जानता है ना। फ़र्ज़ कर ले मैं अमेरिका का हामी हूँ, हूँ नहीं हूँ ये कौन जानता है? अल्लाह जानता है। तो जब पहले लड़ाई हुई थी तो उस लड़ाई में बहुत, हाँ मैं यस कर रहा हूं कि अब इतने आराम से क्यों चले गए, ये सवाल पैदा होता है। अशरफ गनी ऐसे निकले हैं, इस तरह तो मैं भी पतली गली से नहीं निकलता, लोगों से मुलाकात से जब बचना चाहता हूं ना तो हमने भी एक पतली गली रखी हुई है। इतनी स्पीड से हम नहीं निकलते जितनी स्पीड से वो काबुल छोड़ के निकले हैं। और दुनिया हैरान है, अमेरिका का बयान आ रहा है कि हमने अफगान फोर्स को इतना तैयार किया, इतना तैयार किया, कमबख्त तो 11 दिन भी नहीं ठहर सके। चलो शिकस्त खाते कुछ दिन तो ठहर जाते। तो अमेरिका के सदर की खिदमत में मैं काइंडली एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हजरत दुनिया की आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई। उन्होंने देखा कि 52 कंट्रीज से जिस कौम ने लड़ाई लड़ी हो, जिसमें दुनिया के बड़ी से बड़ी पावरफुल कुव्वतें हों, उनके सामने जो ना झुके
वो इनके सामने कैसे झुक जाएंगे? इनको पता था कि अब नहीं लड़ सकते। मुल्ला अब्दुल गनी का जब कतर में मुजाकरात हो रहे थे ना, तो इत्तलात आई हैं कि ये मुजाकरात नाकामी की तरफ जा रहे थे। ये लोग उनकी शर्तें नहीं मान रहे थे अमेरिका की। इनका मुतालबा ये था यहाँ से निकलो बस। तो कहा जाता है कि जब देखा कि किसी नहज पे बात ऊँट किसी करवट पे बैठ नहीं रहा, तो मुल्ला अब्दुल गनी उठे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी समझ में बात नहीं आ रही, 20 साल बाद दोबारा बैठेंगे। समझ में आ रही? 20 साल हो गए लड़ते हुए, 20 साल बाद तो लड़ लो 20 साल और, हम मज़ीद 20 साल लड़ने के लिए तैयार। समझ में आ रही है बात? अब तो आपके अच्छों को भी समझ में आएगी इंशाल्लाह। अब तो आपके अच्छों को भी समझ में आएगी। अफ़गानिस्तान के जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बम्बारमेंट कर रहे हैं, उन अफ़गानी भाइयों की खिदमत में एक रिक्वेस्ट है। वो ये कहते हैं कि हमें बर्बाद भी तो तुम ही ने किया ना। वो क्या कहते हैं? पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ ने अड्डे दिए भाई, हुकूमत बन गई थी, जहाज़ यहाँ से उड़ के गए हैं, उन पे बमबारी की और उनकी गवर्नमेंट को बोलने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है क्या भाई? उनकी गवर्नमेंट को क्या कर दिया? ख़त्म। तो अमेरिका को घुसाने वाला कौन है? पाकिस्तान है। तो हमें तबाह भी तो तुम ही ने किया। ये हमारे जो अफ़गानिस्तान में रहने वाले मुसलमान भाई हैं, वो पाकिस्तान से नफ़रत इस बेस पे कर रहे हैं। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि हम कभी भी अपने मुल्क के इस इकदाम की ना उस वक्त हिमायत करते थे और ना अब। उस वक्त भी हमने खुलेआम इस अमल की मुखालफत की थी कि अपने आप को जुल्म से बचाने के लिए किसी और पे जुल्म करना किसी कीमत में जायज़ नहीं है। जनरल मुशर्रफ का ये कहना था कि आज अगर हम अमेरिका के सपोर्टर नहीं बनते तो अमेरिका हमें पहाड़ों और पत्थरों के दौर में ले जाएगा, मार देगा हमें। तो ये दुनिया का कौन सा उसूल है कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को मरवाओ? ये कहीं भी किसी किताब में नहीं है। ये सही बात थी। हमने उस वक्त भरपूर मुखालफत की थी, लिहाजा हम पाकिस्तान के इस इकदाम को कभी भी अच्छा नहीं समझते। जुल्म हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन इस बेस पे जब आप पाकिस्तान से नफरत कर रहे हो तो आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करनी है, उसे आप गौर से सुने कि एक शख्स किसी को कत्ल करने के लिए जाता है, मैं उसे रास्ता देता हूं कि जाओ मेरे भाई को जाके मार दो, और रास्ता भी मजबूरी में दे रहा हूं, खुशी में नहीं दे रहा, मुझे डर है कि ये मुझे मारेगा अगर मैंने इसको रास्ता नहीं दिया। मैं अपने आप को बचाने के लिए इसको रास्ता देता हूं कि जाके उसको मार दो ताकि मैं बच जाऊं, मुझे उससे जाती दुश्मनी नहीं है, मेरा मकसद अपने आप को बचाना है, जो कि गलत है, लेकिन इससे जुर्म की नौयत बहरहाल कम हो जाती है कि इसका मकसद दूसरे से नफरत नहीं है बल्कि अपने आप को बचाना, ये भी जुर्म है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जो शख्स चाकू लेकर गया और सामने वाले को कत्ल कर दिया, तो आप उस कातिल से तो दोस्ती की उम्मीदें बढ़ा रहे हो और मुझे मलामत कर रहे हो कि तुमने कातिल को सपोर्ट क्यों किया। जो चाकू चलाने वाला है, जो छुरा घोंपने वाला है, उसके आप इत्तेहादी बन गए, और जो रास्ता देने वाला है सारा नजला उस पर गिरा दिया। इसका मतलब इस दुश्मनी में आप मुखलिस नहीं हो। आपको अगर नफरत करनी थी तो आप पाकिस्तान से भी नफरत करते, अमेरिका से भी नफरत करते, और अमेरिका ने जिस गवर्नमेंट को जबरदस्ती ला के आप पर मुसल्लत किया है उस हुकूमत को भी आप बुरा भला कहते, लेकिन आप उस हुकूमत का भी साथ दे रहे हो, उस हुकूमत के हवारियों का हिंदुस्तान का भी साथ दे रहे हो, आप अमेरिका का भी साथ दे रहे हो, और सारा नजला उस मुल्क पे गिला रहे हो जिसने, मैं मानता हूं कि जुल्म किया, लेकिन उसने आपको बे इंतहा सपोर्ट किया है, उसने 16 लाख से ज्यादा अफगानों को अपने मुल्क में
पनाह दी है अफगानों के लिए, इस मुल्क को दुबई बनाया। आज भी लाखों अफगान आपको यहां खाते पीते जॉब करते ट्रांसपोर्ट के मालिक बने नजर आएंगे। आप इन तमाम एहसानात को पसे पुश डालकर अपने हकीकी दुश्मनों से दोस्ती बढ़ा रहे हो। और जिसने हमेशा आप रूस के टुकड़े करवाने में किसकी मदद थी सबसे ज्यादा, पाकिस्तान की मदद थी। अगर सदर जियाउल हक उस वक्त अफगानिस्तान का साथ ना देता तो रशिया के टुकड़े होने में मजीद 20 साल लग जाते। तो आप इन तमाम पाकिस्तान के एहसानात को पसे पुश डाल रहे हो और आप उस एक गलती को हाईलाइट कर रहे हो, लेकिन अपने दुश्मन की बड़ी बड़ी गलतियां आप पी रहे हो जबकि उसका आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है। तो मैं ये पैगाम उन अपने अफगान भाइयों को देना चाहता हूं जो मीडिया के गलत प्रोपेगंडे की वजह से किसके खिलाफ हो गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, हमने उस वक्त भी मुखालफत की थी, गलत कर रहा है पाकिस्तान। ये जनरल मुशर्रफ ने, आज जनरल मुशर्रफ भी अपनी आंखों से देख रहा होगा, अल्लाह ने उसको इस वक्त तक इसीलिए जिंदा रखा कि तुम इतनी पावरफुल आर्मी रखने के बावजूद एक अमेरिका के सामने ढेर हो गए, और वो कौम जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, वो 52 मुल्कों के सामने आके खड़ी हो जाती और 20 साल में उखाड़ के उनको निकाल के बाहर फेंक देती है। उस वक्त लिबरल लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था जब अमेरिका आया ना, बमबारी हुई और अमेरिका को फतह हुई। मैं मजामीन अखबार में पढ़ता था, हमारे जो लिबरल सहाफी हैं जो अब बिल्कुल चुपचाप मुंह बंद करके बैठ गए, ऐसे इनको सांप सूंघ गया है। बोलो ना भाई, आपने जो अपने शुरू में मजामीन लिखे थे रुजू करो उनसे। तो जब मुकम्मल अमेरिका ने कंट्रोल किया तो उस वक्त हमारे जो लिबरल सहाफी हैं डॉन अखबार में जंग में लिखने वाले, हम उनके मजामीन पढ़ते थे, बहुत तंज कि देखा ताकत गालिब आ गई मुल्लाओं पर, पावर गालिब आ गई बोलो मुल्लाओं पर। आज वो चुप बैठे हुए हैं। अब लिखो ना मजमून, बयान करो ना। और ये ऐसा ही नहीं हो गया, एक एक घर से 10-10 मर्दों के जनाजे उठे हैं, एक एक घर से, एक एक घर से पूरे पूरे खानदान कट गए हैं। ये पेड़े खा के नहीं हुआ। आज अमेरिका इस शिकस्त की तमाम तर जिम्मेदारी अफगान गवर्नमेंट पे डाल रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ है। ये लड़ने के काबिल नहीं है, ये अपनी कौम के साथ मुखलिस नहीं है। तो ये था बयान, और हमने बयान आधा सुना, ये पूरा हम सुनेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी है, तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो तालिबान के बारे में कह रहे हैं कि एक कोई मोहम्मद नाम का कोई शख्स है जो आई थिंक फनी वीडियो टाइप्स बनाता है, तो उसने एक सेट बनाई है तालिबान की जो पहले ही वीडियो थी, इनके पास 75,000 लोग थे जो कि कुछ नहीं कर सकते, इनको लोहे के चने चवाने की जरूरत है। लेकिन जब सेकंड में बताया तो तालिबान ने कब्जा करके रखा हुआ है, बाकी उन्होंने पूरी पावर बताई कि कैसे कैसे कौन गलत था। जब रशिया का ये वो, फिर बाकी कंट्रीज के साथ उन्होंने किया तो उन्होंने ये बताया, पाकिस्तान भी कहने के। मेन उनका मोटिव ये था कि अमेरिका को कह रहे थे कि अमेरिका ने ट्रेनिंग दिया अफगानिस्तान की आर्मी को, तो वो कह रहे थे कि कैसी ट्रेनिंग थी कि 11 दिन तक भी अफगानिस्तान की आर्मी टिक नहीं पाई तालिबानियों के आगे, क्योंकि हम थोड़े टाइम पहले भी ये किससे सुने ही थे, तब ये चीज चल रही थी लेकिन हम उस पर रिएक्शन नहीं करते थे कि अफगानिस्तान ने ये कहा किया होगा हमने अफगानिस्तान में क्या हो गया। वो मैंने किया था, डॉक्टर इसार अहमद का बयान किया था सिर्फ। हाँ तुमने किया था वो, है ना, हमने नहीं किया वो। क्या बोलते वो थी, और बाकी हाँ डॉक्टर इसार अहमद ने सही में पहले कह दिया था ना, प्रेडिक्शन नहीं वो बुक्स की प्रेडिक्शन थी। अच्छा मुझे बुक्स में कहा गया था पहले, अफगानिस्तान के रिलेटेड ही कहा था, कैसे से होगा। सो ये थी वीडियो, और बाकी हम फुल वीडियो देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।